का जो बाजू है, चेस्ट है, चेस्ट बहुत ज्यादा चौड़ा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव चेस्ट होगा। जो राम मूर्ति दंड करते होंगे उनका शोल्डर देखिएगा, बहुत ज्यादा चौड़ा शोल्डर हो जाएगा। राम मूर्ति दंड दोस्तों, आप इस दंड को करके जिम से कई गुना अपने शरीर को शक्तिशाली व बलवान बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यह दंड प्रोफेसर राममूर्ति नायडू से लिया गया है। यह दंड भी बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। जब राममूर्ति को खाने में जहर दे दिया गया था तब वह यही दंड करके अपने शरीर से जहर को बाहर निकाले थे। देखिए दोस्तों, आप अगर यह दंड कीजिएगा तो जब पसीना निकलेगी तो आपका शरीर का जितना भी गंदगी टॉक्सिन है ना, वो मतलब पसीने से बाहर निकलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो पहले से बॉडी में जो कचरा होगा, गंदगी होगा, तो इस दंड से आप कचरे को, पूरा गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं और अपने शरीर को पूरा स्वस्थ बना सकते हैं। वह अपने छाती पर हाथी को चढ़ा करके पार कर लेते थे। तो समझ जाइए कि राम मूर्ति दंड कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावशाली शक्तिशाली है। दोस्तों आजकल की युवा पीढ़ी जिम पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि एक दूसरे को देखा देखी में प्रेरित होकर के जिम जाते हैं। वैसे दोस्तों एक्सरसाइज या वर्कआउट का एक मानिए तो एक पॉइंट बना हुआ है, जिम केंद्र बना हुआ है। मैं जिम को गलत नहीं कहता, जो जिम जाते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन जिसको अगर टाइम नहीं मिल पाता है, रोज अपना डेली काम में व्यस्त रहते हैं, तो मात्र यह दंड करके अपने बॉडी को पूरा शक्तिशाली बलवान और एकदम फिट रख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अभी ये दंड करते हैं। दोस्तों इस दंड को करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस स्थिति में आएंगे, शोल्डर से हल्का सा वाइड रखेंगे हाथ को और चतुरंग स्थिति में सबसे पहले ये करेंगे। आपको सबसे पहले ये प्रैक्टिस करना है, ऐसे ऐसे जैसे हम लोग डिप्स लगाते हैं चतुरंग स्थिति में। उसके बाद में भुजंग, ऐसे ये भुजंग, भुजंग स्थिति में पहले आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे। अब जाके फाइनली हम लोग करते हैं राम मूर्ति दंड। तो आ जाओ स्थिति में, ऐसे सांस लिए और इस स्थिति में सबसे पहले होना है ये, देखो ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, और ये ऐसे बैंड नहीं होना चाहिए, सीधा ऐसे सीधा, और तब जा करके ऐसे लगाएंगे हम लोग। सांस भरना है पहले, ऐसे पूरा स्ट्रेच, पूरा तनाव होना चाहिए, चेस्ट एकदम आगे की ओर। चलो करो दोस्तों, चेस्ट एकदम आगे की ओर रहेगा और एकदम पूरा स्ट्रेचिंग, और ये पूरा जो सर है पूरा इसको स्ट्रेच करना है, तब जाके आपका जो फालतू फैट है ना वो भी कम होगा, और जो आपका जो बाजू है, चेस्ट है, चेस्ट बहुत ज़्यादा चौड़ा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चेस्ट होगा, और जो ट्राइसेप है, बाइसेप है, बहुत जल्दी उभर के आएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ डायरेक्टली। चलो करो, सांस लेना है, यहाँ छोड़ना नहीं है, सांस को यहाँ छोड़ना है, पूरा सांस लेना है, चलो करो। दोस्तों आकर के थोड़ा सा यहाँ होल्ड रखना है, मतलब थोड़ा सा रुकना है, तब जाकर के फिर इसी स्थिति में आना है। फिर से करो, यहाँ पर थोड़ा रुकना है, फिर वैसे ही। दोस्तों ये शोल्डर पे बहुत ज़्यादा मतलब असर पड़ता है, शोल्डर पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो आपका देखिएगा जो राम मूर्ति दंड करते होंगे उनका शोल्डर देखिएगा, बहुत ज़्यादा चौड़ा शोल्डर हो जाएगा, या मतलब दिखता भी है। तो दोस्तों ये शोल्डर के लिए बेस्ट दंड है, एक्सरसाइज है। दोस्तों आप इस दंड का जब अभ्यास कीजिएगा तो सांस पर एकदम पूरा ध्यान दीजिएगा, सांस पर कंट्रोल रखिएगा। तो सांस का जो एक्सरसाइज होता है ना वो बल बढ़ाता है, पूरा पावर बढ़ाता है। कभी भी आप कोई भी आसन करते होंगे, योगा करते होंगे, तो सांस पर विशेष ब्रीदिंग पर ध्यान दिया जाता है। तो ये है खासियत, आप सांस पर कंट्रोल रखिएगा। दोस्तों राम मूर्ति जी इस दंड को करते थे तो वो ज़्यादा कुछ वैसे डाइट पर ध्यान नहीं देते थे, वो जब खाना खाते थे ना मात्र दिन में दो ही बार खाना खाते थे, एक सुबह में और एक दोपहर में। वो जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। जमीन पर बैठकर खाने से आपका पाचन क्रिया है ना, जो पचने की क्षमता शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है। अध्ययन से मालूम चलता है कि आप जमीन पर बैठ के खाइए, आपका पाचन बहुत अच्छा रहेगा। वैसे दोस्तों मैं आपको बहुत सारा पिछले वीडियो में दंड बताया हूँ, लेकिन और भी दंड में से ये भी दंड बहुत प्रभावशाली और बहुत इफेक्टिव है। इस दंड को आप कीजिए, आपको मालूम चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।